गुड आफ्टरनून क्लास 9th, अटेंडेंस प्लीज बेटा। आज मैं आप लोगों को सप्लीमेंट्री में चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसका बेटा देखिए समरी आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या होता है इसमें। इन द किंगडम ये क्या है, मूर्खों का साम्राज्य। किंगडम मीन्स क्या होता है, राज्य। फूल्स मीन्स मूर्ख। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, व्हाट हैपेंस टू देम। यह विश्वास किया जाता है कि मूर्ख क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज, उनको केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही मैनेज कर सकते हैं। जो कि इस कहानी में आप पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे व्हाट हैपेंस टू देम। इस कहानी में देखिए क्या होता है। मूर्खों का राज। मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे। उन्होंने सभी चीज़ों को उल्टा करने का आदेश दिया। उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों को आदेश दिया कि दिन में काम करें और रात में, दिन में सोएं और रात में काम करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जाए जो दिन में काम करे और रात में सोए। हर काम क्या करते थे ये लोग, रात में करते थे, दिन में सोते थे। और जो इस बात को नहीं मानेगा उसको सजा दी जाएगी। अतः लोगों ने डर की वजह से वही किया जो उनके करने के लिए कहा गया था। इसमें राजा और मंत्री दोनों बहुत प्रसन्न थे, आनंदित थे। एक दिन इस शहर को देखने के लिए एक गुरु और चेला आए। एक बार एक गुरु और उसका चेला शहर में आए। दिन के समय उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को सोते हुए पाया, कोई काम नहीं कर रहा था। इससे वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे शाम तक घूमते रहे। तब लोग, जब शाम हुआ तो लोग जागने लगे। उन्होंने अपने रात के कार्य को करना शुरू कर दिए। अब वे दोनों भूखे हो गए। उन्होंने सोचा कि कुछ खाने का सामान खरीदा जाए। सभी चीज़, जब खाने का सामान लेने गए, सभी चीज़ों का मूल्य एक सामान था, एक लड्डू। इसमें से वे आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। गुरु ने महसूस किया कि वास्तव में यह मूर्खों का राज्य है। गुरु ने मूर्खों के शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने चेले को भी वहाँ से चलने को कहा, परंतु चेला सस्ते खाने की वजह से ऐसा नहीं करना चाहता था, शहर छोड़कर जाना नहीं चाहता था। गुरु ने चेले को सलाह दी कि मूर्खों के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन चेले ने कोई चिंता नहीं की, वह वहीं रुक गया। समय बीतता चला गया। चेले ने भरपेट खाना खाया। परिणाम स्वरूप अंत में क्या होता है, वह मोटा हो जाता है सस्ते खाने खा खा करके। एक दिन एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी करने गए। वह चुराई हुई वस्तुओं को बाहर ले जा रहा था, तभी पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई। वह उसी समय मर गया। चोर के भाई ने उसकी मृत्यु की शिकायत राजा से की। उसने अपने भाई को मृत्यु का दोष मकान मालिक पर लगाया। राजा ने दोषी को सुना, उसने उसे चोर की मृत्यु का दोषी करार दिया। लेकिन मालिक ने कहा कि वह निर्दोष था, वह दोषी नहीं है। उसने कहा कि जिस आदमी ने दीवार बनाई थी इसका जिम्मेदार वह है। उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई थी, इसलिए दीवार ढही। राजा ने ईंट लगाने वाले राजगीर को बुलाने का फैसला किया। राजा ईंट लगाने वाले से राजगीर से पूछता है, क्या यह दीवार उसने बनाई है। वह उसी चोर को मारने का दोषी करार देता है। इससे पहले कि राजा उसकी मौत का आदेश देता, राजगीर ने अपने निर्दोष होने की बात उसने राजा को बताया कि वह दीवार बनाते समय
अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाया। क्यों नहीं एकाग्र कर पाया? एक नाचने वाली लड़की गली में इधर उधर घूम रही थी, इसलिए वह लड़की जिम्मेदार है। राजा ने अब नाचने वाली लड़की को चोर को मारने का दोषी करार दिया। नाचने वाली लड़की को बुलाया गया। नाचने वाली लड़की से पूछा गया तो उसने कहा कि इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सुनार जिम्मेदार था। क्यों? क्योंकि उसने उसे कुछ सोना दिया था, उसने उसके लिए कुछ गहने बनाने को दिए थे। वह सुस्त था, उसने गहने जल्दी नहीं बनाए, इसलिए उसको गली में आना पड़ा, इसलिए उसका गुनाहगार कौन था? सुनार था। राजा ने अब सुनार को बुलाने का आदेश दिया। सुनार आया। सुनार ने उत्तर दिया कि अमीर आदमी के घर में शादी थी, उसे उसके लिए गहने बनाने थे, इसलिए वह नाचने वाली लड़की का गहना समय पर बनाकर नहीं दे सका। राजा ने अमीर आदमी को हत्यारा घोषित कर दिया। वह उस घर का मालिक भी था, परंतु उसने कहा कि गहनों का आदेश उसके पिता ने ही दिया था। राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली, राय मशविरा किया। उसने फैसला किया कि मालिक को उसके पिता के स्थान पर सजा दिया जाए। राजा ने मालिक को मरने के लिए नया फंदा तैयार करने को कहा, लेकिन मालिक बहुत दुबला पतला था, उसे फांसी नहीं दी जा सकती थी। राजा इसके बारे में बहुत चिंतित था। तब उसने फांसी के योग्य आदमी को ढूंढने का आदेश दिया, उसको फांसी दे देनी चाहिए। अब सबसे मोटा आदमी वहाँ ढूंढने कौन मिला? चेला। चेला वहाँ सस्ते खाने खा के मोटा हो गया था। चेला फंदे के योग्य पाया गया, उसे फांसी के स्थान पर लाया गया। चेले ने अब अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद किए। उसने अपने गुरु से प्रार्थना की। गुरु के पास भूत और भविष्य को देखने की शक्तियां प्राप्त थी। उसने सभी कुछ देख लिया। गुरु ने वह एकदम अपने चेले को बचाने के लिए वहां पहुंचा। उसने अपने चेले को दबी आवाज में कुछ कहा, चेला उसे समझ गया। गुरु और चेला ने अब आपस में लड़ना शुरू कर दिया। गुरु पहले मरना चाहता था। राजा ने गुरु से कहा, वह मरना क्यों चाहता है? पहले चेला दोनों आपस में लड़ाई क्यों शुरू कर लिए? पहले गुरु मरना चाहता था, गुरु कहता था, और चेला कहता था पहले मैं मरना चाहता हूँ। राजा ने गुरु से पूछा, वह क्यों मरना चाहता है? गुरु ने राजा के कान में बताया कि उनका शहर अनोखा था, यह न्याय के देवता का फंदा था, यह फंदा नया था, यह पहले कभी अपराधियों पर प्रयोग नहीं किया गया था। उस फंदे को जो इस पर पहले मरेगा वह राजा के रूप में फिर जन्म लेगा, वो वहीं का राजा फिर बनेगा। जो उसके पश्चात मरेगा वह मंत्री के रूप में जन्म लेगा। राजा ने सारे केस के बारे में सोचा। वह अपने अगले जन्म में भी राज्य नहीं छोड़ना चाहता था, वहीं राज्य करना चाहता था, इसलिए उसने अपने मंत्री से बात की। राजा ने कहा कि वे खुद को फांसी लगाएंगे, इस तरह से तो वे अगले जन्म में भी दोबारा राजा और मंत्री के रूप में दोनों बनेंगे। राजा और मंत्री छिपकर जेल गए। उन्होंने गुरु और चेले को रिहा कर दिया, उन्होंने उनके स्थान ले लिए, इसलिए वे फंदे पर ले जाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। राजा और मंत्री के शव नीचे उतारे गए। लोगों ने उनकी मृत्यु पर शोक मनाया। उन्होंने राज्य के भविष्य के बारे में बातचीत की। अचानक कुछ लोगों ने गुरु और चेले के बारे में सोचा। वे छिप कर शहर छोड़कर जा रहे थे। लोगों ने उन्हें देख लिया। उन्हें अपना नया राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने एक शर्त लगाई। यह सभी पुराने कानूनों को बदलने के बारे में थी, इसलिए उन्होंने कानून बदल दिए। बेटा, ये था मूर्खों का साम्राज्य। ये कहानी आप क्या करिएगा, बुक पढ़ लीजिएगा।
और वर्ड मीनिंग भी कॉपी में कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर मैं करा दे रही हूँ आपका। दर्शाल जय गुरुदेव।